देखो बच्चों, आज आपको जो है अग्रवाल अनसॉल्व पेपर का सैंपल पेपर का सॉल्यूशन बताया जाएगा। पहला आपका दिया गया है चूज, यहाँ पे स्पेलिंग सही है CH OOSE चूज। चूज मीन्स होता है चुनना। दिया गया है चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन बताना है आपको, आई एम वेरी लेट, तो इसमें बींग, आई एम वेरी सॉरी बींग लेट। अब इसमें आपको भरना है ऑन, फॉर या टू, तो क्या भरा जाएगा बताओ। कह रहे आई एम वेरी सॉरी, मुझे बहुत दुख है बींग लेट, देर होने की वजह से। अब दिया गया ऑन, ऑन मीन्स होता है पर, फॉर मीन्स के लिए, टू मीन्स को, फ्रॉम मीन्स से। फ्रॉम मीन्स होता है जो किसी चीज को हम अलग कर देते हैं, ठीक है। जैसे वो क्या हुआ, जब कोई चीज अलग की जाती है, जैसे वो ट्रेन से कहाँ गया, आगरा, ऐसे करके यूज होता है इसमें। तो इसमें लगाएंगे हम फॉर, क्या लगा दोगे, तो यहाँ पे लगाए फॉर। फॉर मीन्स होता है के लिए। फिर है ही इज बोथ ए टीचर, क्या है वो, दोनों है, टीचर है ए प्रीचर। अब टीचर और प्रीचर वो दोनों है, तो इसमें क्या लगेगा तुम्हारा, कंजक्शन। कंजक्शन एक है एंड, एक बट, एक और एक टिल, क्या लगाओ, एंड लगेगा, क्योंकि दोनों एक ही इंसान है, तो क्या लगा दोगे और। फिर अगला दिया गया तुम्हारा एडजेक्टिव, आप कह रहा है शर्ट विल, शर्ट विल यू पुट ऑन। अब बताओ इसमें क्या भरोगे, शर्ट के लिए व्हाट शर्ट लगाओगे, कि विच शर्ट लगाओगे, दी शर्ट लगाओगे या ई शर्ट, व्हाट शर्ट लगा दो कैसे, क्या शर्ट विल यू पुट ऑन, क्या शर्ट तुम क्या करोगे, पुट ऑन करोगे, उतारोगे, क्या शर्ट तुम उतारोगे, बनी नहीं रहा। ये होगा कौन सी शर्ट, क्या लगाओगे, कौन सी शर्ट, कौन सी शर्ट के लिए क्या लगेगा, बिच शर्ट। फिर है चैरिटी, अब जो दान वाला काम शुरू होता है कहाँ से शुरू होता है, करेक्ट वर्ब भरनी है, क्या लगानी है, करेक्ट वर्ब। चैरिटी बिगिन एट होम, पहला ऑप्शन दिया गया बिगिन, बिगिन, बिगिन्स, बिगिन, बताओ क्या लगाओगे, है बिगिन। सेकंड वाला बिगिन मीन्स मतलब शुरू होती थी, अब नहीं शुरू होती, अभी भी तो शुरू हो रही, तो प्रेजेंट में रहो, अभी भी क्या हो रहा है, चैरिटी जो है कहाँ से शुरू होगी, घर से ही, तो बिगिन्स लगाओ, क्या लगेगी, बिगिन्स। फिर इसमें दिया गया आइडेंटिफाई द टेंस, इसमें आपको टेंस मत बताना है, जब बिल लगा है तो लिख दोगे फ्यूचर, लिख दोगे क्यों, फ्यूचर का ही तो होता है बिल सर। फिर दिया गया हैव टेकन, हैव टेकन और जुड़ा है तो कौन सा टेंस हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट, और अगर इसमें टाइम भी दे दिया जाता तो कौन सा हो जाता, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट। इसके आंसर हमने नहीं लिखे हैं, खाली तुम ऐसे सेंटेंस लिख लेना, उसके आगे लिख देना फ्यूचर परफेक्ट। फिर है तुम्हारी ये मीनिंग भरनी, भर लोगे, एक तो ये कैरी लग रही है हमें, है अब दूसरी बताओ क्या है, कंट्री, कैसे हो जाएगी, COUN, COUNTRY कंट्री होती है, ये क्या हो रही कन्वे, ठीक है। अब ये पैसे बनाओ, अब इसमें क्या है, हिम है, हिम का सब्जेक्ट बनाओ, क्या बनेगा, ही, लिखना ही वार, नहीं ही इज, प्रेजेंट इंडिपेंडेंट में ही इज लव्ड बाय एवरीवन,
बाई इवरी इवी इवरी वन। फिर देखो अशोक सेड टू हिज सिस्टर, तो लिखना अशोक, या प्लीज लगा है, रिक्वेस्ट की अशोक ने, क्या किया है रिक्वेस्ट, तो लिखना अशोक रिक्वेस्टेड, क्या लिखोगे अशोक रिक्वेस्टेड। हिज सिस्टर यहाँ क्या लगा होगा टू, इंपरेटिव वाले हैं, टू पुट दीज का क्या होगा दोज, दीज का दोज, पेपर्स ऑन माई का हिज टेबल। अब इसके तुम्हें करना है रीऑर्डरिंग, इसका इनडायरेक्ट बनाना था, ठीक है, इसका पैसिव हो गया, इसको करना है रीऑर्डरिंग, रीऑर्डरिंग कैसे करोगे ध्यान दो, लिखना ही वाज, इसे सब्जेक्ट से पकड़ के बनाओ, ही वाज ऑन ए, ही वाज ऑन ए आउट टूर, ऑन ए आउट टूर, कब से कब तक था, मंडे टू संडे, फ्रॉम मंडे टू संडे, ठीक है। फिर व्हाट इज योर नेम आस्क्ड माय सीनियर, आई रिप्लाइड माय नेम इज सौरभ, इसे क्या करना पंचुएट, पंचुएट में कहाँ पे कैपिटल लेटर बनेगा, कहाँ पे स्मॉल कामा इन्वर्टेड कामा क्वेश्चन मार्क, ये सब लगाना। तो यहाँ पे लिखे व्हाट, डब्ल्यू कैपिटल बना दे, व्हाट इज योर, ये इसमें दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, देखो ये दिखाई पड़ रहा व्हाट इज वाला है, इसको ऊपर बनाओ, ऊपर लाइन साफ कर दें, बना लो, नीचे वाला जो है ऊपर देख लो, देखना व्हाट इज योर नेम आस्क माय सीनियर, आस्क्ड माय सीनियर, ठीक है, कॉमा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, I replied, my name is Saurabh, क्या लिखोगे, my name is Saurabh, ठीक है, कर लिया, what is your name, ask my senior, I replied, my name is Saurabh.